नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेगा। मैं हूं जी प्रेम मटकानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल पाकिस्तान के पंजाब सूबे में जेहलम शहर में एक साबिक ब्रिगेडियर, आईएसआई से ताल्लुक़ रखता था, आईएसआई में उसकी सर्विस थी, नाम उसका अमीर हमजा था, अपनी कार में घर के बंदों के साथ जा रहा था एक चौक पर। दो मोटरसाइकिल पे चार बंदे, एक एक मोटरसाइकिल पे दो दो बंदे सवार थे। उन्होंने उसको एक चौक पर दोनों बाजुओं से घेरा और फिर पीछे जो पिलियन राइडर था, पीछे बैठा हुआ बंदा, उसने गोलियों की बौछार कर दी, जिससे अमीर हमजा साबिक ब्रिगेडियर आईएसआई हलाक हो गया और उसके साथ जो उसकी बीवी थी, उसकी बच्ची थी, उनको भी गोलियां लगी हैं, लेकिन वो अभी जिंदा हैं और अस्पताल में। अब जाहिर है पाकिस्तानी से टारगेटेड किलिंग का जो है नाम देता है भारत, इसे इनकारी है, वो कहेगा हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। वैसे हम आपको ये बता दें कि 2018 में भारत में सुंजवान में एक आर्मी कैंप पर इसी बंदे ने हमला किया था, जिसमें भारत के 6 सिपाही हलाक हो गए थे। अब जब पाकिस्तान ये कहता है कि ये काम हिंदुस्तान का है, टारगेटेड किलिंग है, तो इनडायरेक्टली या गैर सीधी तरह से ये बात तो वो भी मानता है कि भारत में जो तख़रीबकारी की वारदातें होती हैं, जो हलाकतें होती हैं, उनमें पाकिस्तान और उसकी आईएसआई शामिल है। कहने को उसकी बीवी और बच्ची कहती है कि हमारे ब्रिगेडियर साहब जो थे उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और कोई उन्हें क्यों मारेगा। खैर, ये बात डिबेटेबल है, क्योंकि जो दहशतगर्दी के काम करता है उसके कई दुश्मन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये काम भारत का हो। वैसे भी इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं ना, उन्हें आप कोर्ट में तो साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर करके इस किस्म की जो अमवात होती हैं, जो किलिंग्स होती हैं, उनमें कोई भी एजेंसी अपने बंदों का इस्तेमाल नहीं करती। अब अगर वो कहेंगे कि ये रा का काम है, तो रा का कोई बंदा पाकिस्तान जाके ये काम नहीं करेगा। ये काम पाकिस्तान में जो मर्सिनरीज होते हैं, किराए के कातिल जो होते हैं, वो खुशी से कर देते हैं। आपको सिर्फ डॉलर फेंकना है, ये हमारा अंदाज़ा है, हमें इसके बारे में कोई इतला नहीं। वसूख से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वसूख से तो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, पुलिस है, वो भी कुछ नहीं कह सकती। कहते हैं कि वो जब एक चौक पे रुका, दोनों बाजुओं से मोटरसाइकिल सवारों ने उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। अब उस वक्त उसके पीछे जो उसका भाई भी था मोटरसाइकिल पे, उसके पीछे आ रहा था, वो क्या कर रहा था? अब खुद पुलिस कहती है कि उसका जो भाई है वो भी शक के दायरे से बाहर नहीं है। तो इसका मतलब अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो प्रीमैच्योर है। इसीलिए पाकिस्तान का ये कहना कि इसमें हिंदुस्तान मुलविस है, जो है वो गलत है। अब इस किस्म के कुछ और वाक़यात मैं आपको बता दूं, होते रहते हैं पाकिस्तान में, जो दहशतगर्द हैं उनकी अमवात होती रहती हैं, उनकी किलिंग्स होती रहती हैं। कौन करता है खुदा बेहतर जानता है,
पाकिस्तान उसको ये नाम देता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो यूएनओ का जो सफीर था उसने यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे ये कहा था कि भारत से पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स करा रहा है। मैं इस किस्म के कुछ वाक्यात का आपको जिक्र कर दूँ उसका। पिछले साल नवंबर में ख्वाजा शाहिद जो कि लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखता था पाकिस्तानी कश्मीर में उसकी सरकटी लाश मिली थी। जाहिर है उसका कत्ल हुआ था। अप्रैल में अभी ताज़ा अमीर सरफराज उसको लाहौर में कत्ल किया गया। लश्कर तैयबा का अदनान अहमद उसको दिसंबर में पिछले साल कराची में कत्ल किया गया। शाहिद लतीफ़ को पिछले साल सियालकोट में कत्ल किया गया। तो इस किस्म के पिछले साल में तो ख़ास तौर पर कई वाक़यात हुए हैं और हर मरतबा पाकिस्तान उसका इल्ज़ाम हिंदुस्तान पे लगाता रहा है जबकि हिंदुस्तान इससे इनकारी हो रहा है। अब देखिए कश्मीर में कमोबेश दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। अब पाकिस्तानियों ने क्या किया है, उन्होंने अपना टारगेट बदला है। पहले वो घाटी में वादी में इस किस्म के वाक़यात किया करते थे, अब वो जम्मू में आ गए हैं। पूंछ, राजौरी, रियासी, ये ताज़ा एक नहीं कई वाक़यात हुए हैं और उसमें एक में तो पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम ने कबूल भी किया है कि हाँ ये हमने जो है ये कत्ल करवाए हैं। अब अगर पाकिस्तान इस किस्म की वारदातें करता रहेगा और अगर उसके साथ साथ उन दहशतगर्दों का पाकिस्तान में कत्ल होता रहेगा तो हो सकता है कि ये काम हिंदुस्तानी एजेंसियों का है। हो सकता है, यानी यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोटिवेशन भारतीय एजेंसियों की होती है, लेकिन उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं कर सकते। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।